चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। आज सुबह से लगभग 5:30 बजे से बारिश चल ही रही है और हो सकता है, मुझे लग रहा है शाम तक ऐसे ही चलेगी। बाकी और जो कॉलेज वगैरह है उनकी ना छुट्टी है और पता नहीं इनकी छुट्टी कैसे नहीं हुई शिवान सरों की। तो बाकी अपना पॉली इधर बैठ रखा है, बाकी टाइगर को मैंने भेज दिया है बनियाकुंड मैकपाई कैंप पे, संदीप के पास में है सब टाइगर और बाकी ये इधर ही है। तो चलो भाई पहले नाश्ता कर लेते हैं, बाकी तो होता रहेगा। बाकी आजकल ना फिसलन बहुत ज़्यादा है भाई। तो यार नहीं हो रहा भाई, अब ना ये वाला टाइम आ गया कि चूल्हे पे बैठने का, क्योंकि बारिश और ठंड बढ़ना शुरू हो गया है। तो फिलहाल इधर ऊपर तो कुछ भी नहीं है भाई, लकड़ियाँ पूरी ख़त्म हो रही है, तो जल्दी लाइए। बाकी अब तो ये टाइम आ ही गया, तो फिलहाल नाश्ता करते हैं और फिर मैं भी निकलता हूँ दुकान पे। पास भी है चाबी मेरे पास भी है चाबी मेरे पास बड़ी चाबी है मेरे पास बड़ी चाबी है ये देख। तो अभी भी चल ही रही है बारिश, तो फिलहाल नाश्ता वगैरह तो हो गया है और इनको स्कूल तक छोड़ता हूँ, फिर मुझे जाना है मक्कू बैंड, तो चलते हैं। तो फिलहाल नाश्ता वगैरह हो गया है और बारिश में ना बच्चों को स्कूल ले जाना बहुत सरदर्दी है। तो भाई मैं दुकान पर भी वैसे गया नहीं, और मैं गया था पंडित जी को लेने के लिए मक्कू बैंड, और पंडित जी को वहाँ से लेकर आया और उसके बाद घर पे कॉल किया ताऊ जी को कि घर आना है कि दुकान पे जाना है। तो ताऊ जी ने कहा घर ही आ जाओ, क्योंकि आज घर पे श्राद्ध वगैरह है, तो उस वजह से मतलब आज पूजा वगैरह होगी तो थोड़ा बहुत काम भी होगा ही घर पे, तो इस वजह से मैं भी घर जा रहा हूँ। मैं भी घर पे पहुँच गया हूँ और मुझे जाना है ताऊ जी और के यहाँ पे, तो चलता हूँ वहाँ पे और फिर वहीं पे मिलता हूँ मैं आपको। और जाना है मुझे यहाँ पे जाना है ताऊ जी और के यहाँ पे, तो शाद बकरा यहीं आज, तो चलता हूँ। बाकी पंडित जी को लेके तो आ गया, चलो। प्रणाम अंकल को, प्रणाम। किसने करना? ये तो गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है। ना कर ना कर, बंदा बल्ला। मैं भी आ गया हूँ ताऊजी औरों के यहाँ पे, बाकी अपना घर है नीचे और मैं आया हूँ भाई ताऊजी औरों के यहाँ पे। बाकी आज भी ना सारे लोग ऑलमोस्ट साथ ही में रहेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि श्राद्ध वगैरह तो सभी लोग साथ ही में रहते हैं। बाकी अभी आ जाए मेरे साथ छोटू। ये क्या है? छोटू ये बुए अब देखदा देखदा के अगर आ जाना ये हो अब देखदा भी मारेंगे अब पापा आएगी अब पापा अब मम्मी के अब
मांग ना तो भाई चलते हैं किचन की ओर, क्या क्या बन रहा है। तो इधर दिन के खाने की तैयारी चल रही है और बाकी इधर आटा वगैरह गूंद रहा है, बाकी यहाँ पे तो खाना चल रहा है और धुआं बहुत ज़्यादा है। तो हम निकलते हैं बाहर की ओर और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। क्या है, क्या देख रहा, इधर दिखा तो, क्या देख रहे हो, क्या है, क्या है ये, सिम्बा? सिम्बा ओके बैठो, बैठे रहो, जाओ किचन में जाओ, मम्मी है वहां पे, मम्मी है किचन में। और यहाँ पे भी हैं बैगन वगैरह लगे हुए और ये चौक में लगाया हुआ है पूरा, देखिए। और यहाँ की कंडीशन ये है, पूरा नीचे चले गया ये तो। और ये है हमारा पुराना घर, तो अभी मैं भी घर पे पहुंच गया हूँ। लगभग 4-5 घंटे में ताऊजी और यहाँ पे रहा और अभी चोपता वैली में ना यहाँ से पूरा क्लीन दिख रहा है और हल्के हल्के क्लाउड लगे हुए हैं कहीं कहीं पे। बाकी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और उसके बाद मैं भी ना सिवान सौरव को लेने के लिए चले जाऊँगा उनके स्कूल पे। और बाकी आज घर पे शायद है तो सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। तो भाई मैं आया हूँ अभी मस्तूरा सिवान सौरव को लेने के लिए, बाकी उनकी छुट्टी होने ही वाली है तो उनकी छुट्टी का वेट करते हैं। हाँ बोलो, आज तुम ही करोगे ब्लॉगिंग, बोलो। हाँ हाँ बोलो, बोलते रहो। कल इन दोनों पे, एक पे चावल है एक पे दाल वगैरह है, तो दाल को फिर वैसे ही रहने दिया। अभी फिलहाल कढ़ी बना रहा हूँ मैं भाई, मुझे अपने लिए तो कढ़ी चाहिए थी, फिर इन्होंने कहा कि इसको भी सबको कढ़ी बना दो, फिर अभी कढ़ी बना रहा हूँ। और बाकी मिर्च वगैरह हो गया, लहसुन वगैरह हो गया, वो तैयार हो रहा है क्योंकि कढ़ी मेरी फेवरेट है तो मैं अपने लिए तो बना ही रहा था। बाकी मैंने अपने लिए ना इस छोटी कढ़ाई पे रख दिया था कि मैं अपने लिए बनाता हूँ, बाकी इनके लिए तो दाल थी। और मैं इन्होंने बोला कि हमारे लिए भी बना दो, चलो मैंने कहा। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आया था पंडित जी को छोड़ने के लिए, मक्को मठ आया था और मक्को मठ है आपके यहाँ जस्ट फ्रंट ऑफ व्यू में। और अभी मैं पंडित जी को छोड़ के ना यहाँ से अपने घर को निकल रहा हूँ और हमारा घर है ना यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे जाना है मुझे। और बाकी मैं आया मक्को बैंड होके इधर से घूम के, तो एक छोटा सा टाइम लैप्स लगाता हूँ। फिलहाल ये वाली जो वैली है ना काफ़ी मस्त लग रही है, तो एक टाइम लैप्स लगाता हूँ और फिर मैं भी निकल। सो गाइज ये देखिए आपके सामने पे जो स्नेक है, और जैसे ही रूम मतलब जो किचन का दरवाज़ा था ना उसको खोल के बाहर ही निकला और वैसे ही सडनली सामने पे सांप दिख गया। तो एक टाइम तो जैसे ही दरवाज़ा खोला ना वैसे ही दरवाज़ा बंद भी किया और फिर जाके दरवाज़ा खोला और तब देखा बाहर, देखा बाप रे। वैसे लंबा काफ़ी है ये, मतलब उतना मोटा तो नहीं है पर लंबा वैसे काफ़ी है, तो ये ना किसी को काट देता तो रात के टाइम पे ना बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।